हेलो व्यूअर्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग कैपिटल का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिस पे आज हम मैथ्स का रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, अनुपात समानुपात। चलिए आइए देखते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो की, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए रेशियो बी। ए रेशियो बी का मतलब ए यहाँ पर हमारा कहलाता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। बी कहलाएगा हमारा कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। या ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे ए बाई बी, तो अंश बटे हर, ए अपॉन बी ऐसा लिखेंगे तो ए हो गया अंश, बी हर होता है इसमें, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो की, तो बात कर देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप देखते हैं, बात करेंगे डुप्लीकेट रेशियो की, डुप्लीकेट रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है डुप्लीकेट रेशियो, ए रेशियो बी है कहीं, ए बाई बी लिखा हुआ है। इसका अगर हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, मतलब कैसा, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो ए हम क्या इसको बोलेंगे कि जो ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है वो डुप्लीकेट है किसका, ए बाई बी का। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक जैसे 2/3 लिखा है, तो क्या अगर कहीं पर भी लिखा है 4/9, यानी कि 4/9 इज अ डुप्लीकेट ऑफ 2/3, इज अ डुप्लीकेट ऑफ 2/3। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डुप्लीकेट है, ए बाई बी है, इसका क्यूब फॉर्म अगर लिखा है ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, तो ये कहलाएगा ट्रिप्लीकेट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2/3 लिखा है, तो अगर 8/9 लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, 8/9 जो है, 8/9 जो है वो क्या है, ट्रिप्लीकेट है किसका, 2/3 का, सॉरी 27, 8/27 इज अ ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3, तो ये हो गया ट्रिप्लीकेट। ऐसे ही और होता है सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, कहीं पे भी a अपॉन बी लिखा है, अगर उसका रूट हो जा रहा, रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ b, तो वो क्या कहलाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो रूट a अपॉन रूट b, से सब डुप्लीकेट रेशियो a बाई बी। फोर्थ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसमें क्या होगा, a अपॉन b है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ है डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ बी, यानी कि क्यूब रूट ए डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ बी इज अ सब ट्रिप्लीकेट ऑफ ए बाय बी। तो ये थे हमारे डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। अब हम बात करेंगे कंपाउंड रेशियो को। कंपाउंड रेशियो इसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात। कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, दो टर्म्स लिखा हुआ हमारा, ए रेशियो बी लिखा है, सी रेशियो डी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एंटीसीडेंट मतलब अंश को इन दोनों का इनटू कर दें, ए बी ए सी रेशियो, और इनके कॉन्सिक्वेंट का इनटू कर दें मतलब बी डी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, कंपाउंड रेशियो। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे उसने बोला कि 2:3 एंड 4:5 का निकालो सब, सॉरी कंपाउंड रेशियो निकालो, तो कंपाउंड रेशियो में क्या करेंगे, इन दोनों को एंटीसीडेंट को इनटू कर देंगे, तो 4:2 8 डिवाइड बाई इन दोनों को इनटू कर देंगे मतलब 5:3 15, तो ये होता हमारा कंपाउंड रेशियो। इसके आगे डिस्कस करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। एक छोटा सा टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो कहीं पे भी लिखा है ए रेशियो बी, तो इसका इनवर्स मतलब, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। तो ए अपॉन बी को हम क्या लिख दें, बी बाई ए, तो ये कहलाता है इसका इनवर्स रेशियो। कैसे आता है,
इसको कैसे करेंगे, 1/a दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे ए बी, तो क्या हो जाएगा बी रेशियो, दोनों में कॉमन पार्ट है सो कैंसिल कर देंगे तो ये बी रेशियो, तो ये कहलाता हमारा रेसिप्रोकल रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, इनवर्स रेशियो के बाद कुछ चीज़ें और देखते हैं रेशियो में। जैसे लिखा हुआ ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी उसने दे दिया 4:5, और उसने हमसे पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करो, तो इसको कैसे करेंगे, देखो बी दोनों में कॉमन है तो पहले बी को इक्वल करेंगे, तो बी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो इधर 4 से इंटू कर दिया, इधर 3 है तो इधर 3 से इंटू कर दिया, तो यहाँ से ए रेशियो बी बन के क्या आया 4:2 8, 4:3 12, ये क्या बन के आया 4:3 12, 5:3 15, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया हमारा 8:12:15, तो ये हो गया हमारा। एक और तरीका देखते हैं, इसका लिखा है 2:3, बी इक्वल है तो बी के इधर लिखेंगे हम 4:5, पहले कैसे इंटू करेंगे हम इससे, तो 4:2 8, फिर कैसे इंटू करेंगे इस तरह से, तो 4:3 12, फिर कैसे इंटू करेंगे इस तरह 5:3 15। ये मेथड हमारे तब बहुत काम में आएगी जब बड़ा डेटा पूछेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, तब इस मेथड से करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। देखते हैं एग्जांपल, ए रेशियो बी यही लिख लेते हैं हम 2:3, बी रेशियो सी 4:5 लिख लिया, सी रेशियो डी हमने कर लिया 3:2, उसने हमसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करना है, देखते हैं कैसे आता है। लिख लेते हैं पहले ऐसे 2:3, 4:5, 3:2, पहले सीधे इंटू करने का बोला है ऐसे इंटू करेंगे, लिख लिया मैंने 2:4:3 रेशियो, इसके बाद इस तरह से इंटू करते हैं डायगोनली, तो ऐसा इंटू करेंगे, अब एक डेटा बच रहा तो इसको ऐसे ले जाएंगे, मतलब हमने क्या किया ऐसे ऐसे इंटू, तो ये क्या बन गया 3:4:3 रेशियो, आप क्या करेंगे इन दोनों में आएंगे फिर ऐसा जाएंगे, इधर आए फिर ऐसा चले गए इधर इंटू, ये इसको मैं ऐसा बना दूँ तो थोड़ा और अच्छा रहेगा समझने के लिए, इसको इधर इंटू करेंगे फिर जो इधर बचे की वैल्यू उसको इंटू करेंगे, मतलब 3:5:3 रेशियो, लास्ट में क्या करेंगे तीनों का इंटू, अब इधर तो कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 3:5:2, देख लेंगे कैलकुलेट करके कोई डेट कैंसिल हो रहा है क्या, नंबर 3 सभी में कैंसिल है, कैंसिल आउट कर देंगे 4:2 8, 4:3 12, 5:3 15, 5:2 10, तो इस तरह से हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी भी फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं अगर और भी बड़ी वैल्यू आएगी, ई तक का जैसे आ गया तो इंटू कैसे करेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है, डी अनुपात ई दिया है, इसका इंटू देखते हैं, पहले ऐसे करेंगे फिर ये बी से ऐसे जाएंगे इस तरह से, मतलब इधर गए ऐसे इंटू, फिर बी सी में आएंगे ऐसे इंटू करेंगे बी सी सी डी, फिर बी सी डी बी सी डी, और फिर लास्ट में चारों पैटर्न यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी रेशियो, फिर बी सी डी बी इंटू बी इंटू सी इंटू डी रेशियो, इसके आगे बी सी डी डी बी सी डी डी रेशियो बी सी डी बी सी डी ई, तो इस तरह से हमें कितना भी बड़ा रेशियो दिया हो इस पैटर्न से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सेम पैटर्न है सभी में, तो इस तरह से कोई भी अनुपात बोले हमसे ए अनुपात बी देते बी अनुपात सी देते या अनुपात बी अनुपात सी पूछे या ए अनुपात सी पूछे, तो इस तरह से हम इससे फाइंड कर लेते हैं। कुछ चीज़ और देखते हैं इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा, कैसे कोई चीज़ को हमें डिवाइड करना है किसी कितने पार्ट में तो उसको कैसे रेशियो सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं इसके आगे। वैल्यू लिखी हुई 72, उसने बोला हमें 2:3:4 में डिवाइड करना है, 72 को हमें 2
पार्ट 2:3:4 में डिवाइड करना है। तो मत इसका देखो इस क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो x माने 2x 3x 4x = 72, तो इसको हम यूनिट मेथड से देखेंगे। 72 कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2, 3, 2, 5, 4, 9, मतलब 9 पार्ट में 72 को। तो हम मान लेंगे कि अगर ये 9 होता, अगर ये केवल 9 दिया होता, तो हम 9 को कैसे डिवाइड करते, 9 को 2 इसको देते, 3 इसको देते, 4 इसको देते, पर 9 की जगह कुछ और दिया है। अगर ये 18 दिया होता तो मतलब इसका 2-2 पार्ट देते। तो इसी तरह से हम यूनिट मेथड से करते हैं। तो 9 का मींस कितना दिया हुआ है, 72। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 72/9 डिवाइड कर देंगे, तो 9×8=72, ये कैसे आया, 72/9 से। 1 का मतलब 8 है, a की वैल्यू क्या दी है, 2, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 8×2 मतलब 16। b पूछा उसने, 3 दिया है, मतलब 8×3=24। c पूछा उसने, मतलब 4, मतलब क्या हो जाएगा, 8×4=32। तो इस तरह से हम कोई भी रेशियो, कोई वैल्यू दी हो उसको रेशियो में डिवाइड करना है, तो इस तरह से हम रेशियो में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़ा प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं पहले बेसिक, फिर इसके बाद अपन रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे किस तरह से आते हैं, बेसिक क्वेश्चन, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर अभी हम पहले उसके पहले प्रोपोर्शन के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन मतलब समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या है, अगर दो रेशियो, दो अनुपात, मतलब ए अनुपात बी और सी अनुपात डी है, अगर मैं बोल दूं कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है ये आपस में किस में है, प्रोपोर्शन में है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए रेशियो बी इज टू सी रेशियो डी, तो ये हो गया। अब इसको इसमें ये कहलाते हैं मीन, ये कहलाते हैं मीन, और ये दोनों टर्म्स कहलाते हैं ए और डी एक्सट्रीम्स। ए और डी क्या कहलाएंगे हमारे, एक्सट्रीम्स। तो क्या होगा, इक्वल में रखेंगे तो कैसे आएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिक गुणा, तो क्या हो जाएगा ये ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब बाहर की वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू मतलब मध्य की वैल्यू, इन दोनों का गुणा इक्वल होता है इन दोनों के गुणा के, तो ए डी बराबर बी सी। तो ये होता है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। अब इसके हम देखेंगे टाइप्स, प्रोपोर्शन के टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहले जो टाइप्स की बात करेंगे उसकी बात करेंगे हम फोर्थ प्रोपोर्शन की, फोर्थ प्रोपोर्शन की। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा, इसमें हमें तीन वैल्यू गिवन रहेंगे ए बी और सी। फोर्थ प्रोपोर्शन इसको अपन हिंदी में बोलते हैं चतुर्थानुपाती। फोर्थ प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थानुपाती। इसमें हमें क्या रहेंगे, तीन वैल्यूज गिवन रहेंगे, चौथी वैल्यू वो हमसे पूछेगा। देख तो कैसे करेंगे हम, ए रेशियो बी इज टू सी रेशियो, चौथी वैल्यू पूछी है एक्स कर दिया, इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, बी सी बाई ए। तो ये हो गया हमारा चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया, या फिर हम ऐसे लिख याद रखेंगे तो लिख सकते हैं आसानी से। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 386 पूछेगा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए जब वैल्यू दी गई है 3, 8 और 6। तो चतुर्थानुपाती कैसे करेंगे हम, 3 लिख लेंगे रेशियो लगा लेंगे, 8 लिख लेंगे समानुपाती का साइन बना लेंगे, 6 लिख लेंगे अनुपात का साइन बनाएंगे, एक्स कर लेंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बहुत आसान है, इन दोनों का इंटू मतलब 3x इज इक्वल्स टू इन दोनों का इंटू 8×6, 3×2=6, तो x की वैल्यू 8×2=16। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती। अब देखेंगे हम थर्ड प्रोपोर्शन, नोट करिए इसको,
थर्ड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी बोलते हैं तृतीय अनुपाति। इसमें क्या रहेगा, हमें दो वैल्यूज गिवन रहेंगी ए और बी, और वो पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो। तो इसको कैसे करेंगे फाइंड, इसको कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी समानुपात। अब तीसरी वैल्यू फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, बी रेशियो एक्स समानुपात है तो चार वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज दी हैं तो बी अनुपात एक्स क्या हो जाएगा, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, बी स्क्वायर बाई ए। तो ये हमारा तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, वो क्वेश्चन बोलेगा हमें तीन और छः दिया हुआ है, इसका तृतीय अनुपाति ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर इस पर बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम्स में बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो, पर इतनी छोटी चीज़ है हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं कि अरे इतना छोटा तो पूछेगा नहीं, और एक क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो गलत हो जाता है। रेलवे हो, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश के कोई एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी का हो, तो उन सब में ऐसे बेसिक बेसिक कई बार एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए इनको भी हमें ध्यान रखना है। थ्री और सिक्स दिया हुआ है, इसमें उसने पूछा हमसे तृतीय अनुपाति ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाति जैसे ही बोलेगा, फॉर्मूला हमें नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, तीन अनुपात छः अनुपात छः अनुपात एक्स, बताया था मैंने एक्सट्रीम्स का इंटू, मतलब जो दोनों बाहर की वैल्यू उन दोनों का इंटू थ्री एक्स इज इक्वल टू मीन, मतलब मध्य वैल्यू का गुणनफल, तो मध्य वैल्यू का गुणनफल कर दिया, तीन दोनों छः कैंसिल कर दिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, बारह। तो ये होता हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। इसके बाद थर्ड देखेंगे अपन, इसमें मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन इसको क्या बोलते हैं, मध्यानुपाति। सेकंड प्रोपोर्शन भी इसको बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाति। इसमें भी हमें दो वैल्यू ही गिवन रहेंगे, पर उसने इसमें हमसे पूछेगा मध्य की वैल्यू, तो इसको कैसे करेंगे, ए लिखेंगे अनुपात का साइन बोले, मध्य की वैल्यू कौन सी होती प्रोपोर्शन में, ये दोनों होती, मतलब उसने ये वैल्यू पूछी तो दोनों जगह एक्स कर देंगे, एक्स समानुपात एक्स, दूसरी वैल्यू क्या है बी, इंटू कर लेंगे ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये रूट ए बी। तो ये हमारा कहलाता है मीन प्रोपोर्शन या मध्यानुपाति। तो इस तरह से हम मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, नोट करिए इतना। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ एक, यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू दो अनुपात तीन तथा ए अनुपात सी इज इक्वल टू वन अनुपात दो हो तो बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सबसे पहले ए अनुपात बी लिख लिया हमने, दो अनुपात तीन। अब यहाँ पे ए इक्वल है तो हमें इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, बी अनुपात ए में, बी अनुपात ए तीन अनुपात दो, अगर हमें क्रॉस वाली मेथड से करना। और ये क्या दिया हुआ है, ए अनुपात सी एक अनुपात दो, ए इक्वल हो गए, कैसे इंटू करते हैं, पहले इधर फिर ऐसे इंटू फिर इधर इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री इंटू वन थ्री, टू इंटू वन लिख देता हूँ मैं, थ्री इंटू वन अनुपात टू इंटू वन अनुपात दो अनुपात इंटू दो, तो ये क्या बन गया, तीन अनुपात दो अनुपात चार। ये है, बाकी नहीं तो वैसे तरीका हमने बताया ही पहले, यहाँ पर ए है यहाँ पर वन है, दोनों को इक्वल करना है तो इस वाले में हम दो से इंटू कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ये वैल्यू क्या आई है ये देख लेते हैं, इक्वल वाली वैल्यू क्या है ए, तो ये क्या आया हमारा बी अनुपात ए अनुपात सी आया। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी मतलब क्या हो गया, बी और सी ए तीन अनुपात चार, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें।
तो ये हो गया हमारा बी अनुपात सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एग्जाम्पल देख लेते इसके। 8:A इज इक्वल टू 8:B, दूसरा ऑप्शन। 8:16 इज इक्वल टू 8:4, सी। 8:8 इज इक्वल टू 8:8, डी ऑप्शन है हमारा। 32:A इज इक्वल टू 2, ये ऑप्शन दिए। उसने बोला है यदि ए अनुपात बी 64 है, ए और रेशियो बी कितना है 64 है, तो उसने बोला है कौन सा जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा सही है, कौन सा राइट है। तो हमने अभी तक देखा है कि हमने नियम पढ़ा था कि एंटीसीडेंट A:B, C:D, क्या कि इनके जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट, तो वही चीज़ इसका मतलब इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे क्या इन दोनों का इनटू करेंगे तो 8 ही आएगा, ए बी तो नहीं आएगा। यहाँ तो हमें चाहिए ए बी इज इक्वल टू, तो ये तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, A:B, A:16 दिया, यहाँ इनटू करेंगे तो 16B आएगा, ए बी तो नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल। इसको करेंगे यहाँ से भी नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल, इससे आ रहा है ए बी इज इक्वल टू 32 × 2 = 64। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बाई सी की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। उसने बोला है A:B दिया 3:4, B:C दिया है 4:7। उसने पूछा हमसे ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, तो इस हमें ए प्लस बी प्लस सी करना है। तो पहले हम सबसे पहला काम हमारा क्या है इसमें, A:B:C फाइंड कर लेते हैं। तो A:B:C फाइंड करने का मैंने मेथड बता ही रखा है, 3:4 और ये दिया 4:7। पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से 4:3 = 12, 4:4 = इसमें ज़रूरत ही नहीं करने की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी और बी इक्वल दिया हुआ है, करोगे भी तो भी वही आएगा, बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, A:B:C क्या हो जाएगा, A:B:C क्या हो जाएगा, 3:4:7, ये आ गया। अब उसने बोला ए प्लस बी प्लस सी, तो यूनिट मेथड मैंने बताया था अभी, 3 + 4 + 7 डिवाइड बाई सी की वैल्यू क्या है 7, 7 × 3 = 10 = 14 डिवाइड बाई 7 = 2। ये होता कैसे है, हम एक्स मानते हैं रेशियो है, उसको अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बराबर 3x, बी बराबर 4x, सी बराबर 7x, फिर बात वही है 3x, 4x + 7x लिखें, डिवाइड बाई 7x करें, x कॉमन लेके कैंसिल करें, तो इसे डायरेक्टली लिखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, नोट करिए इतना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1:x (1/y) (1/z) = 2:3:5 है या हो तो x√y/z ज्ञात कीजिए। x√y/z निकालना है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ क्या, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमने क्या कर दिया x√y/z, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 (1/3) (1/5। अब हमें सॉल्व करना है, इस तरह से ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इनका एलसीएम ले लें, 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 30, क्योंकि कोई भी कॉमन मल्टीपल है नहीं, गुणनफल इनका कोई कॉमन तो है नहीं पार्ट, तो 30 आ गया। तो इसको 30 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा, 15 से। इसको 30 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 से। इसको 30 बनाने के लिए 6 से, तो यहाँ हमने 15 से इंटू किया,
यहाँ 10 से कर दिया और यहाँ 6 से कर दिया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 15/30 अनुपात 10:30:6:30, तीनों में 30 कॉमन है हटा देंगे, क्या आ गया आंसर 15:10:6, कोई कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। हम इसका जो आंसर बनाएंगे हमेशा ध्यान रखना है रेशियो का प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए। प्रॉपर रेशियो क्या होता है, जैसे लिखा है 6/3 तो ये प्रॉपर रेशियो नहीं है, या 4/5 ये क्या है, ये प्रॉपर रेशियो, क्यों, क्योंकि 4 और 5 का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, 3 और 2 ये इसमें 3 का मल्टीपल है, 3 2 6, तो 6/3 का प्रॉपर रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, ये 3 से कैंसिल, ये भी 3 से, तो 2:1 इज द प्रॉपर रेशियो। तो 6/3 हम आंसर नहीं करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे रेशियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी हो तो हमें फाइंड करना है ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं बी स्क्वायर रेशियो ए सी, बी दिया है सी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, डी दिया है ए सी रेशियो बी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसका, इसको लिख लिया सबसे पहले हमने ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, क्या फाइंड करना है ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4, तो इसकी पावर 4 करना पड़ेगा तो दोनों तरफ कर देते हैं, तो ए की पावर 4 बाई बी की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा बी की पावर 4 बाई सी की पावर 4। ये तो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं बी की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4, तो हमें किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, आसान है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया ए सी, तो b की पावर 4 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख दी हमने ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी की पावर 4, सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, देख लेते हैं ऑप्शन है प्रेजेंट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी हमें ज्ञात करना है। उसने बोला है कि ए जो है बी से मोर है 40% अधिक, बी सी से 20% कम, या थोड़ा सा मैं परसेंटेज का बता देता हूँ, 20% अगर है तो इसका मतलब 20/100, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 1/5। कोई बोले कि आपके पास 100 रुपये हैं और बोल दे इसमें 100% और बढ़ा दो, मतलब क्या किया हमने प्लस 100% बढ़ाने का मतलब 100 बढ़ा देना, 50% बढ़ाने का मतलब क्या 50, तो मैं पूछूं वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, तो इसमें इसने क्या बोला है 40% अधिक करना है, मतलब 100 + 40 = 140, तो सबसे पहले मैं 40% देख लेता हूँ क्या हो जाएगा 20 × 2 = 40, तो इसमें भी हम 2 से इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। अब उसने बोला 40% बढ़ाना है, 40% बढ़ाने का मतलब 1 + 2/5, 1 + क्योंकि 100% के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 + 2 = 7/5, तो 40% बढ़ाने का मतलब 7/5। ये उसने क्या बोला है ए जो है बी से कितना अधिक है 40%, मतलब 7/5, और बी क्या है सी से 20% कम है, 20% क्या होता है 1/5 कम है, मतलब माइनस कर देंगे तो 5 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5 - 1, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे या इंटू करेंगे या माइनस, 5 - 1 = 4/5, तो इसको क्या लिख देंगे 4/5, तो यहाँ से हम निकाल लें ए रेशियो बी क्या हो जाएगा 7:5, बी रेशियो सी क्या हो जाएगा 4:5, पूछा क्या उसने ए रेशियो सी, बहुत बार कर चुके अभी तक हम 7:5 = 4:5 इंटू इधर इधर फिर इधर इंटू करेंगे तो 7 × 4 = 28, इधर इंटू करेंगे तो 5 × 4 = 20,
रेशियो, सीधा इंटू करेंगे तो 5 5 25। ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसने क्या पूछा है, ए अनुपात सी, मतलब 28:25 इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक्स अनुपात वाई 2:1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें पहलू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमें पहलू उसने दिया है। हमें एक्स रेशियो वाई दिया है, पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधे वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1। एक्स 2 का स्क्वायर 4, वाई 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वाई 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 = 3, 3/5 इज द आंसर। कुछ भी हमें ए बी एक्स वाई नहीं मानना है, सीधे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स अनुपात वाई 3:5 हो तो पूछा उसने 10x + 3y, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रेशियो 5x + 2y की हमें वैल्यू याद करनी। x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 5, डायरेक्ट रखते हैं। x की वैल्यू 3 रखेंगे, 10 × 3 = 30 प्लस y की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 × 3 = 15 रेशियो x की जगह 3, 5 × 3 = 15 प्लस y की जगह 5, 5 × 2 = 10 क्या बन गया ये 45:25। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4x² - 3y² रेशियो 2x² + 5y² इज इक्वल टू क्या दिया हमें 12:19 हो तो उसने पूछा x अनुपात y। इसके लिए हम देखो ऑप्शन लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं वो भी मैं बता दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा। 2:3 बी की वैल्यू 1:2 सी की वैल्यू 3:2 डी की वैल्यू है 2:1। देखते हैं इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में इसमें ध्यान दो, जस्ट अपोजिट है। इधर क्या था, x:y दिया था, इस तरह के टर्म्स पूछा था, यहाँ पे इस टर्म में दिया है x:y पूछा है। तो हम मान लेते हैं इनमें से कोई एक ही आंसर होगा चार में से, तो वैल्यू रख रख के देख लेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वैसे इंटू करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें इंटू करके फिर वैल्यू लिखने में, तो जितना हम अवॉइड करेंगे लिखना उतना बेटर है। देखते हैं वैल्यू, इसको रख के देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक बार, 4x² - 3y² डिवाइडेड बाई 2x² + 5y² इज इक्वल टू क्या है 12/19। वैसे इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2:3 x जगह 2 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे, यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव ही आएगा। x² y² यहाँ नेगेटिव है, हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव है। वैल्यू रखते हैं, x की जगह क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 = 16 माइनस y की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27 16 - 27 करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, इधर से नेगेटिव इधर से पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ तो 12:19 दिया है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो पहला वाला नहीं हो सकता। तो ज़रा सोचो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ 3 है, बड़ी वैल्यू आ रही, बड़ी का स्क्वायर। यहाँ देखो 1:2, 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 = 4, वाई की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 × 3 = 12, फिर माइनस 4 - 12 फिर नेगेटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 = 36 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12 डिवाइड बाई यहाँ रखेंगे वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4 = 24 डिवाइड बाई 20 = 18 = 38। देखो कॉमन मल्टीपल है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, 2 से कैंसिल हो जाएंगे 12 = 19 तो क्या आ गया ये 12:19 आ रहा है, यही तो दिया था क्वेश्चन में, यानी हम इसको रखने पे सेटिस्फाई हो रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
यदि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए क्या है 6:7:8 है तथा ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 14 हो तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर वही चीज़, सबसे पहले हमारा काम रहेगा ए बी सी के टर्म में कुछ वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया है, मतलब इनको ऐड कर लें हम पहले 100% ए प्लस बी प्लस सी बन रहा होगा कुछ ना कुछ, ए और ए 2a, बी बी 2b और ये सी ओ सी दो टर्म दिए तो ऐड कर लिया तो 2a 2b 2c बन गया, ये इज इक्वल टू ये भी ऐड हो जाएगा तो 8, 7, 15 और 6, 21 तो इसको हमने x मान लिया 21x। ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना दिया 14 वैल्यू रख लेते हैं 2×14=21x 7×2=14 7×3=x यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4/3 x की वैल्यू 4/3 आ गई। हमें उसने किसकी वैल्यू पूछी c की वैल्यू पूछी, यानी a प्लस बी प्लस सी हमें कितना दिया है 14। इसमें अगर हम a प्लस बी की वैल्यू रख दें तो c आ जाएगा, अगर उसने हमसे b पूछा होता तो हम a प्लस सी की वैल्यू रख देते, अगर वो हमसे a पूछता तो हम b प्लस सी की वैल्यू रख देते। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या है 6, x हमने माना है तो 6x प्लस सी इज इक्वल टू 14 तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 - 6 एक्स की वैल्यू क्या है 4/3 3×2=6 14 - 4×2=8 14 में से 8 जाएंगे तो 6 तो ये हो गई हमारी सी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो चतुर्थानुपाती माध्यानुपाती निकाल लेते हैं, वैसे तो मैंने करा दिया एग्जाम्पल में वहाँ पे। क्वेश्चन 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा, क्या है तृतीयानुपाती मतलब थर्ड प्रपोर्शन, क्या पूछा उसने थर्ड प्रपोर्शन पूछा है हमसे। ये जितने क्वेश्चन कराए सारे कभी ना कभी आए हुए हैं, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी नहीं आया, सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है। थर्ड प्रपोर्शन पूछा है, मैंने बताया था थर्ड प्रपोर्शन के लिए क्या करेंगे 16 ए लिख लेंगे बी लिख लेंगे, थर्ड पूछा है तो बी को लिख लेंगे और एक्स लिख लेंगे। दो वैल्यू दो में दी रहती है, एक थर्ड प्रपोर्शन में दी रहती है और एक सेकंड प्रपोर्शन दी रहती है। तो सेकंड प्रपोर्शन मतलब मध्यानुपाती, तो उसमें हम क्या लिखेंगे मध्य में वैल्यू लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, मीन में एक्स। थर्ड प्रपोर्शन में भी दो वैल्यू दी हैं तो क्या करेंगे बी को रिपीट करेंगे। क्या बताया था मैंने इन दोनों का इंटू इज इक्वल्स टू इन दोनों टर्म्स का इंटू, यही बताया कर लेते हैं 16x इज इक्वल्स टू 24×24 4×4=16 4×6=4 तो x इज इक्वल्स टू 36। तो इस तरह से हमारा क्या है तृतीयानुपाती निकाल लेंगे। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन 6 तथा 54 के बीच क्या फाइंड करना है मध्यानुपाती क्या है। ये करा चुका हूँ इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना कि 5, 6 और 54 के मध्यानुपाती में क्या बताया था 6 मध्य में लिखेंगे वैल्यू मीन में तो x प्रपोर्शन का साइन x रेशियो 54 इन दोनों का इंटू इज इक्वल टू इन दोनों का इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 54×6 देखते हैं इसको कैसे करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ इस तरह से ताकि इसका वर्गमूल निकालना है स्क्वायर रूट तो कैसे आ जाएगा 27×54 6 को भी मैंने ब्रेक कर लिया 2×3 तो ये 27×3 क्या हो जाएगा 81 का अंडर रूट क्या होता है 9 तो 9 बाहर आ जाएगा और ये 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 तो इस तरह से मध्यानुपाती पूछेगा तो भी हमसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन का और मध्यानुपाती जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ केवल 0.02 तथा 0.32 का हमें क्या फाइंड करना है मध्यानुपाती। कैसे फाइंड करेंगे सीधे अंडर रूट कर दें, आप यहाँ बताया लिखने का तरीका 0.02×0.32 दशमलव हटाएंगे
दो अंक बाद है तो डिवाइड बाई 100, यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, 200 है तो 100 बाहर आ जाएगा। 32 × 2 क्या होता है 64, 64 का अंडर रूट 8/100, कितने जीरो है नीचे में, दो, तो दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 0.0, दो अंक इधर को आ जाएंगे 8, एक अंक और आएंगे 0.0, तो 0.08 इज द आंसर। दो तीन क्वेश्चन घर से करने को दे दें जो आज पढ़ाया है, तो इस पे बेस्ड आप बिल्कुल क्वेश्चन कर लें, फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं मिश्रण वाले हैं और बाकी जो रेशियो के क्वेश्चन हैं जिस तरह से आते हैं वो अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जो कुछ करने हैं। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 हो तो ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए क्या हो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी 2:3 दिया है, बी अनुपात सी दिया है 9:7, सी अनुपात डी दिया है 14:15 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमें फाइंड करना है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये सब कराए हुए हैं इस तरह के, यदि 3a+5b डिवाइड बाई 3a-5b इज इक्वल टू 5/1 हो तो ए रेशियो बी फाइंड करो, इसके ऑप्शन लिख देता हूँ क्योंकि इसको ऑप्शन से कर लेंगे जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन रख के इसको सेटिस्फाई कर लेंगे। सी है 3:2, डी है 5:2, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और छोटा सा एक कर लेते हैं उसके बाद आगे देखते हैं। ट्वेंटी वन 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो, ऑप्शन लिख लेते हैं 2b 4 है, c 6 है, d 8। समानुपाती मतलब ए बी सी डी, ये दिया हुआ हमें ए बी सी डी, मतलब क्या होना चाहिए a अपॉन b इज इक्वल टू सी एन रेशियो d, और ऐसी वैल्यू हमें माइनस करना है कि उन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ऑप्शन से जल्दी जल्दी करके देख लेंगे, 21 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 38 में से 2 माइनस करेंगे तो 36 इज इक्वल टू 55 में से 2 माइनस करेंगे तो 53 106 में से 2 माइनस करेंगे तो 104 कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं आएगा, 19 आ नहीं सकता 53 तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट माइनस करके देखते हैं, 21 - 4 17 38 - 4 34 इज 55 - 4 51 इसको देख लेते हैं 106 - 4 102 51 1:2 इज इक्वल टू 1:2 इक्वल है, यानी अगर इसमें से हम 4 को माइनस कर दें सभी नंबर में से तो ये नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ये पूछा था उसने क्वेश्चन में, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा है,3:5
के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो। उसने पूछा है कि 3:5 दिया प्रत्येक पद में, दोनों वैल्यूज में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि जो नई संख्या है वो 5:5:6 में आ जाए। ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन से कर लेंगे, ऑप्शन नहीं दिया है तो 3/, अगर नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, दोनों जगह x ऐड कर देंगे इज इक्वल्स टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 5 5 25 प्लस 5x, 6x और 5x क्या हो जाएगा x, 25 में से 18 माइनस कर देते हैं तो 18 और 2 20 और 5 7, तो x इज इक्वल्स टू 7। बाकी नहीं तो अपन वैसे कर सकते थे, अगर ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन से कर लेते। दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें दूसरे जगह और लोग, ताकि और लोग लाभान्वित हो सके। और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं, रेशियो प्रोपोर्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको बिल्कुल एकदम अपन डिटेल में करेंगे, इसलिए आज बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का और नेक्स्ट लेक्चर में उसके भी आगे एकदम बेसिक से उठाया है, और हिंदी और इंग्लिश। आज तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए, कल से आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ मिलेगा, उससे आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।